सांप्रदायिक झड़प के बाद बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन, अब नूह का होटल निशाने पर। झूठी कहानी, नूह मंदिर में यौन उत्पीड़न के दावों पर हरियाणा पुलिस। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, पिछले 24 घंटे में गई 6 लोगों की जान। मुंबई, अभिनेत्री ने मुंबई के बिजनेसमैन पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश, पुल से फिसलने से नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, 10 छात्र थे सवार, 3 की मौत। CBI, वीडियोकॉन कंपनी को लोन फैसिलिटी देने से ICICI बैंक को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, आरोप पत्र में CBI का दावा। झारखंड अग्निवीर, झारखंड के 704 अग्निवीर देश सेवा के लिए तैयार, पंजाब और सिख रेजिमेंट में पोस्टी। PM मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की रखी आधारशिला, कहा रेल यात्रा को आनंददायक बनाना लक्ष्य। तमिलनाडु, CM स्टालिन ने कहा हम हिंदी के गुलाम नहीं, अन्नामलाई बोले उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती। शंकर की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति ने भारत अमेरिका संबंधों पर की चर्चा। जम्मू एवं कश्मीर, पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन किया गया, अनुच्छेद 370 रद्द करने को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का वार। उदित राज, पाकिस्तान ISI की तरह भारत में राजनीति को प्रभावित कर रही ED, कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश, BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में 2 साल का कारावास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में हाथियों के बीच पहुंचकर उन्हें गन्ने खिलाए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया NGT का आदेश, नजफगढ़ झील के कायाकल्प से जुड़ा है मामला।